कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, वाकई में एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ आप लोगों की बर्थ डिटेल्स के माध्यम से आपके जीवन का संपूर्ण ब्यौरा आपको बताता है, क्योंकि इस कार्यक्रम की यही तो सत्यता है कि यहाँ पे आप लोगों को अपनी परेशानी बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप लोग इस मंच से जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, बस इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है। तो दर्शकों, चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी शैलजा जी। जी गुरु जी, जैसे कि हम भलीभांति जानते हैं कि आपने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, या जितनी भी चुनावी भविष्यवाणी आज तक आपके मुख से की गई है, वो शत प्रतिशत सत्य साबित हुई है। तो जानना चाहूंगी, हाल फिलहाल में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? जी शैलजा जी, तो जो भी भविष्यवाणी सही हुई है हमारी जी, तो मैं तो इसे माता रानी की देन कहूंगा। ये माँ का ही आशीर्वाद है कि दर्शकों, हमारे कार्यक्रम लगभग 8 वर्षों से आप मेरे टीवी पर देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि शायद 99% हमारे दर्शक यही कहते हैं कि गुरु जी आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। और हम इसी के आधार पर आपको बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिषी एक ऐसी विद्या है कि ज्योतिष को कतई समस्या बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये आपके व्यक्तिगत तक असर नहीं है, जो ग्रहों का जो असर पड़ता है, जो कि आकाश मंडल में सारे ग्रह हैं, तो ग्रह का जो असर पड़ता है वो प्राकृतिक आपदा पर भी पड़ता है, हमारे नेता पर भी पड़ता है, देश पर भी पड़ता है, ये सभी पर पड़ता है। तो हम इससे कोई अछूते नहीं हो सकते। आप किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, आपको कुंडली देकर के बता दिया जाता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो जब तक उसमें सत्यता नहीं है तो आप कैसे कह देते हैं कि गुरु जी आपने बिल्कुल सत्य कहा है। तो यदि इसमें सत्यता है तो इसको उपाय करके हम इसका लाभ भी ले सकते हैं। रह गया जहाँ तक चुनावी भविष्यवाणी का, तो दर्शकों मैं फिर से बता दूँ आपको कि मैंने 2008 में इसमें इंटर किया था। इसके पहले मैं डॉक्टरी करता था। 2008 से लेकर 19 तक, ये 11 वर्षों के दौरान, 2008 से मेरा पेपर में लिखने का बहुत हॉबी था। जितनी भी मैंने भविष्यवाणी बनाई है, ये माता रानी का आशीर्वाद और हमारी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी। हम आपको भी कहने का प्रयास करते हैं बार बार कि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहला सूत्र आप ईमानदार बने, और इसका इतिहास हमारे पास है। आप APJ अब्दुल कलाम को देख लें, अटल बिहारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख लें, आज मोदी जी को देख लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही देख लें। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के काल में सोनिया गांधी के और किसी के अन्य के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिसिंग मनमोहन सिंह से हुई होगी, मैं नहीं कह रहा नहीं हुई है, लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो आज पूरा भारतवर्ष कहता है कि मनमोहन सिंह भी बहुत एक ईमानदार है। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति के जीवन में जो सफलता मिलती है, ऐसे तो प्रधानमंत्री कई बन गए हमारे देश में, लेकिन शायद आप देख रहे होंगे कि जो रुतबा, जो इनको इज्जत, जो सम्मान पूरे वर्ल्ड ने, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड ने जो आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दिया, शायद हमें नहीं लगता है किसी को मिला होगा। और ये आप भी कहेंगे, मैं नहीं, ये आप ही कहेंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कारण है, वो है इनके साथ ग्रहों का योग और इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा और देश के प्रति समर्पित होना। हम आज बात करने वाले हैं, चूंकि हमें भी 4-5 दिन से कॉल आ रहा था कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस बात से पूर्ण अवगत हैं कि शिवानंद जी ने जो भी भविष्यवाणी किया है वो बिल्कुल सही है। और दर्शकों, ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.astroshivanand.com, वहाँ पे आपको 2008 से ही सारी भविष्यवाणी मिल जाएगा जो मैंने समाचार पत्रों में लिखा था। कभी टीवी बता देता हूँ, कभी समाचार पत्रों के माध्यम से बता देता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हरियाणा
और महाराष्ट्र के साथ साथ अभी भी कुछ लोगों का अंदाजा लगा हुआ है कि 2024 में क्या होगा। 14 में मोदी जी आए, 19 में ऑर्बिटर आए, फिर 24 में क्या होगा। तो दर्शकों मैं बता दूं, हम जब पॉलिटिकल गणना करते हैं किसी राज्य का या केंद्र का, तो दो बातें मुख्य रूप से देखा जाता है। सबसे पहला, यदि हम राज्य का करते हैं तो राज्य के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी जो पार्टी है उनकी कुंडली क्या कहती है, अर्थात जो दावेदार हैं उनकी कुंडली और उनकी जो पार्टी होती है उनकी कुंडली। तो हम आज यहाँ पर चलेंगे कि महाराष्ट्र में जो फर्नांडिस ने उनकी कुंडली और जो विपक्ष में है उनकी कुंडली, हमारे बीजेपी की कुंडली, हमारे मोदी जी की कुंडली और हम आज बात करते हैं हरियाणा की तो खट्टर जी की कुंडली। तो कहने का मतलब, जब तक उसको हम मिलाएंगे नहीं कभी सत्य नहीं हो सकता है। जैसे मैं बता दूं, 2019 में जो वर्ल्ड कप का चुनाव हुआ था उसमें बहुत लोगों ने मुझे ने कहा कि आचार्य जी आपने तो 2011 में भविष्यवाणी कर दिया था कि वर्ल्ड कप भारत जीतेगा, इस बार क्या होगा। मैंने 15वीं भविष्यवाणी नहीं लगाई थी, क्योंकि ये खेल में वर्ल्ड कप हार जाएगा ये भविष्यवाणी लगाना ही गुनाह है। कारण हमारे जितने भारतीय खिलाड़ी हैं उनको मनोबल टूटता है और ये न्यूज़ लग ही नहीं सकता है। मुझे पता था कि वर्ल्ड कप किसी भी बिंदु से इंडिया नहीं जीतेगा इस बार भी, और वास्तविकता क्या था, जबकि मैंने देखा, आप दर्शकों आप भी ऑनलाइन हैं, बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सएप पर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैंने देखा था 2015 की भविष्यवाणी में हमारे कितने महापुरुष ज्योतिष थे जिन्होंने लिख दिया था कि 2015 में वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगा, कितनों ने लिखा है। लेकिन मैं एक शब्द भी एक पैर कदम भी आगे बढ़ने का मैं प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो स्थिति आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? सबसे पहले इस संबंध में भविष्यवाणी तब करनी चाहिए जब इंडिया फाइनल में पहुंच जाता। जब तक फाइनल में पहुंचा ही नहीं भविष्यवाणी कैसे कर देंगे? वो क्यों कि फाइनल में जब दो खिलाड़ी दो कैप्टन रहेंगे तो दोनों के बीच कौन जीतेंगे। तो कोई चीज़ में थोड़ा जल्दी करना भी कभी कभी मिसिंग हो जाता है। तो हम आप यहाँ बात करते हैं खास करके मोदी जी को लेकर के, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक राशि है, चंद्रमा का महादशा इनके चल रखे हैं जो मार्च 21 तक रहेगा। अब बहुत इंटरेस्टेड बात है दर्शकों, देखें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि दोनों के मालिक कौन हो गए? मंगल। और इनके मंगल लग्न में ही चंद्रमा के साथ नीच भंग राजयोग और दो दो राजयोग एक राजयोग बना दिया, अर्थात नौमेश और लग्नेश, नौमेश लग्नेश की युति, लग्न में ही चंद्र मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का है तो मंगल अपने ही घर में है, तो नीच भंग राजयोग और राजयोग दो दो राजयोग बन गए। अब क्या होता है, राजयोग तो है लेकिन राजयोग में जब दशा का सपोर्टिंग मिलता है तो व्यक्ति और खिल जाता है। इनको विगत 10 वर्षों से अर्थात 2011 मार्च 2011 से चंद्रमा का महादशा शुरू हो गया, भाग्येश की महादशा लग्न में जो राजयोग बना रहा था, अर्थात 2011 से विशेष रूप से मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। और आज यही कारण रहा कि आज बीजेपी की छवि, हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी से बीजेपी है, मोदी जी तो बीजेपी से ही हैं, लेकिन एक मोदी जी के कहीं ना कहीं इनके त्याग से इनके काम से लोगों में जो उत्साह आया और खास करके इनकी छवि कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि भी बहुत अच्छी हुई है, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो 2011 से लेकर के मार्च 21 तक इनकी दशा चंद्रमा का है और चंद्र की महा के दशा बाद मंगल का महादशा आएगा जो होगा 7 वर्षों का, अर्थात मार्च 21 से लेकर मार्च 2028 तक ये दशा आ रही है मंगल की। तो ये टाइम इनके लिए और सुपर बम्पर टाइम हो जाएगा। लग्नेश की दशा, हम जब गांव में कहते ना, जब बच्चे बदमाशी करते तो आस पड़ोस के आदमी कहते, भाई भतीजा कहते, कर लो बेटा बदमाशी, जितना मर्जी है कर लो, अभी तेरा बाप का राज है। तो जब लग्नेश की दशा होती है ना तो उसे कहा जाता है बाप का राज। क्यों? लग्न पूरी 24 कुंडली में जो मुख्य कुंडली है वो लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली का जो मुख्य है वो लग्न है और उसका मुख्य कौन है? लग्नेश। तो इनकी जो दशा आने वाले हैं, लग्नेश मंगल की महादशा 7 वर्षों तक रहेगी। हम आपको 99.9% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं दर्शकों, आप नोट कर लें, दुनिया की कोई भी ताकत 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है, संभव नहीं है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी लेकिन प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही बनेंगे और कोई नहीं आ सकता। अभी से ही कुछ लोगों की अटकलें हो रही है कि मोदी जी हर जाएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, लेकिन मेरे गणना में टू दी फ्रैंक स्पष्ट है कि मोदी जी को ही आना है 100%। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की बात।
तो महाराष्ट्र में जो मैंने कुंडली देखा है, जो सर्च किया है, तो महाराष्ट्र की कुंडली में और हरियाणा की कुंडली में कहीं से भी कोई किंतु परंतु की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं लग रही है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि दोनों की कुंडली के अनुसार महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी दोनों में ही बीजेपी की सरकार बनना बिल्कुल तय लग रहा है। और ये जो परिस्थितियाँ बनेगी बहुत जल्द दर्शकों आपको मालूम हो जाएगा। और दर्शकों मैं आपसे भी कहूँगा, एक बार फिर कहूँगा कि आप एक बार मेरा वेबसाइट खोल करके अवश्य देखेंगे www.astrosivanand.com। और मैं जितना भी कहता हूँ दर्शकों, मुझे कहीं से भी थोड़ा सा भी आप विश्वास करें, हमें रत्ती भर भी अहम नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, हमारे माँ बाप का संस्कार रहा है, और मैं लोगों से भी कहता हूँ कि प्रकृति ने यदि किसी व्यक्ति में यदि लक्ष्मी सोसाइटी दे दिया है तो आप झुको। प्रकृति ने यदि किसी पेड़ में फल लगाता है तो फल का उस पेड़ का दो काम होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि उसकी डाली तो झुक जाती है, और दूसरा काम होता है कि वो फल को लोग खाते हैं, मजे के साथ इंजॉय करते हैं। जिस फल को डाली तो झुकती है, जिस पेड़ के फल को लोग खाते नहीं, वो फिर तो फिर बंजर कहला जाता, मजा ही नहीं आता है। तो जब किसी के व्यक्ति के साथ जब सफलता आगे बढ़ती है, छूता है, तो उस व्यक्ति को बिल्कुल और नम्र हो जानी चाहिए। तो मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि मुझे सत्ती भर भी ये महसूस नहीं होता कि आज हमारी जो भविष्यवाणी हुई है बिल्कुल सत्य हुई है। ये मुझे चूँकि आपको प्लेटफॉर्म पर मैं सामने में हूँ, तो बोलने के लिए मुझे बाध्य हो जाना पड़ता है, हमारे शैलजा जी को बोलने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है कि जो सत्यता है वो सत्यता को आपके साथ में शेयर करूँ। लेकिन मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, फुल विश्वास है कि माता रानी का आशीर्वाद और मेरा मेहनत और हमारे ईमानदारी और आपका सहयोग हमें रंग ला रहा है। और दर्शकों मैं आप सबों से भी कहूँगा कि जिस हाल में हो, जैसे भी हो, भगवान ने जन्म दिया है, कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। ग्रह का प्रभाव तो है, लेकिन कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने जीवन में भी काफ़ी बदलाव कर सकते हैं और इससे हम काफ़ी लाभ ले सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी बात बता दूँ, प्रत्येक दिन जब आप सो करके उठते हैं, सबसे पहले आप बिछावन पर बैठे बैठे आप पूरा मुंह हो जाए और दोनों हथेली का दर्शन करें प्यार से। कराग्रे वशते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले वशते तू गोविंदा, प्रभाता करे दर्शन। अर्थात आगे हम लक्ष्मी जी को, बीच में सरस्वती जी को, और कर मूले मणिबंध में हम विष्णु जी का दर्शन कर रहे हैं। तीन तीन देवी देवता का दर्शन करें और ये भावना करें कि मैं साक्षात देख रहा हूँ। उनका आशीर्वाद मस्तक पर लें, चुमें, धरती माता को प्रणाम करें, पलंग पर बैठे बैठे झुक करके धरती पर प्रणाम करें। पुरुष हो तो दाहिना पैर नीचे पहले, और महिला हो तो बायां पैर पहले नीचे, ये कहते हुए कि हे धरती माता, मेरा जो चरण स्पर्श हो रहा है इसके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि माता तो हमारी है ही, लेकिन धरती को भी हम माता कहते हैं, जननी कहते हैं, तो हमारे जो चरण स्पर्श हो रहे हैं इसके लिए हमें क्षमा करें। और उसके बाद जब सो के उठते हैं, आप कोशिश करें आपके घर में माँ पिताजी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनका चरण छू करके बिल्कुल आशीर्वाद लें। ये दर्शकों पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये एक छोटी सी चीज़ होती है कि इसमें 5 पैसा भी नहीं लगता है और थोड़ा सा मेहनत भी नहीं लगता है और हमें बहुत कुछ मिल जाता है। थोड़ा सा हम किसी के आगे झुक जाते हैं तो उनका हाथ सीधे उठता है कि बेटा खुश रहो, चाहे वो आपके पापा मम्मी रहे या नहीं रहे, चाचा चाची रहे या नहीं रहे। यदि कोई अज्ञात व्यक्ति भी रहते हैं तो आपको स्नेह से कहेंगे कि बेटा खुश रहो, तो ये चीज़ कहाँ मिलेगा आपको। और आज जो स्थिति बन रखी है, आज जो इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, इतने तनाव हो रखे हैं, इसका मुख्य कारण दर्शकों यही है कि आज के बच्चे अपनी गतिशील दुनिया में अपने संस्कार को संस्कार कर रखा है। और कहीं ना कहीं इसमें दोषी हम भी हैं, हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते। कहते हैं बच्चे तो नाजुक होते हैं, जिस साचा में हम ढालेंगे ऐसा ही बर्तन बनेगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां हमने भी किया है। आज के भाग दौड़ की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में, बच्चों की सुख सुविधा देने की दुनिया में हमने गलती किया है। और आज देख रहे हैं दर्शकों क्या स्थिति है। क्या आज से 20 साल 25 साल पहले ग्रह नहीं था क्या? ये तो हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष से आकाश मंडल है, और वहां जो आकाश मंडल में ग्रह है उसका प्रभाव होते ही आ रहा है। आज ज्योतिष जी, मैं कहता हूँ ज्योतिष जी कहते हैं कि सप्तम भाव डिस्टर्ब है इसलिए शादी डिस्टर्ब हो गई। क्या आज से 20 साल पहले सप्तम भाव डिस्टर्ब नहीं होता था? आज से 20 साल पहले इतनी शादियां टूटती थी? आप ही हमें जवाब दीजिए। आज से 20 साल पहले इतने लोग परेशान थे? आप ही जवाब दीजिए। नहीं थे। इसका कारण क्या है अंधे? इसका कारण है हम अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं। जब संस्कार जब खोएंगे तो हमारे ग्रह जो है ना और दूषित होते चले जाएंगे, और यही कारण है ये नैतिकता का पतन होते जा रहा है और हमारी जो परेशानियां हैं धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है।
रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भारतवर्ष में इतनी सभ्यता, हमें तो बोलने में भी अफसोस लगता है कि इतनी भारत की सभ्यता डेवलप कर गई है कि भारतवर्ष में आज वृद्धाश्रम खुलने का नौबत आ गया। दर्शकों ध्यान दें, मैं भी बचपन में बच्चा था, आप भी छोटे थे, मेरे समकक्ष जो हमसे बड़े भाई हैं, क्या आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले हम लोग मोटे वाले नमक खाते थे? आपको याद होगा बोरा में था समुद्री नमक, 25 रुपए किलो मिलता था। पानी कौन सा पीते थे? कुआं का, चापाकल का, हैंड पाइप का। आज पानी कौन पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं। नमक कौन खाते हैं? आयोडाइज्ड फिल्टर नमक खाते हैं। पर आप रिजल्ट देख लें, आज से 20 साल पहले जो इतने स्वस्थ थे, आज आयोडाइज्ड नमक खा करके आरओ का पानी पी करके भी स्वस्थ नहीं है। क्या कारण है? यही सब कारण। तो मैं खास करके नवयुवकों से कहूँगा, अपने बच्चों से कहूँगा कि आप बेटे अपने संस्कार को डेवलप करो, और दर्शकों आप इस बात को माने, रोटी कपड़ा और मकान की तरह मैं जो अपने जीवन में अनुभव किया है, रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपके लिए ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिषीय निवारण आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं हम कर्म करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मानते हैं कर्म के बिना हम भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कर्म करते करते व्यक्ति की पूरी जिंदगी निकल गई और कुछ नहीं कर पाया, उनके कर्म कहाँ गए? तो कर्म के साथ साथ भाग्य का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है, और भाग्य का जो सपोर्ट मिलता है वो आपके जन्म कुंडली में ग्रहों को देखते हुए, ग्रहों का निवारण करने से। इसने तो किसी को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, महादेव शिव को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको कहां से छोड़ेगा? तो हम इस जन्म कुंडली को पूर्ण विश्लेषण करके इसके निवारण से हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं। तो दर्शकों मैं आपको फिर एक बार बता दूं आपको कि मेरी जो गन्ना आ रही है, इस गन्ना में महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों में बीजेपी की सरकार बनना तय लग रहा है, और 2024 का मैं अभी बता दे रहा हूं कि 2024 में भी हर हालत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा अपना फुल कॉन्फिडेंट है। तो बिल्कुल दर्शकों, यानी कि ये तो निश्चित यहाँ पे गुरुजी ने कर दिया है कि उनकी भविष्यवाणी ये कहती है कि इस बार महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और अगर आप लोग दर्शकों जितनी भी आज तक गुरुजी ने भविष्यवाणी की है उनका सत्यापन आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। आज हम आप लोगों की कॉल्स दर्शकों इसलिए ही नहीं ले पाए हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी कॉल्स जो हमारे पास आई थी, आप ये जानना चाहते थे कि जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो किसकी वहां पे सरकार बनेगी। तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस बार गुरुजी ने ये साफ कह दिया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है। बाकी दर्शकों जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया है, अगली सुबह 9 से 10 के बीच आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को अब यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपने कीमती समय हमें दिया, जय माता दी। जी जी, जय माता दी। नमस्कार, शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।